हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर लेक्चर 5 ऑफ गवर्नेंस। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो चीफ तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि गवर्नेंस के एक इंट्रिंसिक पार्ट हैं, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन चार्टर, हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। अब जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, राइट, ये ऑब्वियसली लाइज एट द हार्ट ऑफ द इंटायर कोर्स दैट वी आर डूइंग। ठीक है, द आइडिया के ये जो गवर्नेंस है ये किस तरह से इंश्योर करी जा रही है, क्या जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से काम कर रही है, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जो वेरियस स्कीम्स हैं, उन सबको अगर बनाया जाता है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो कितना ज़्यादा फुलफिल कर पाती हैं ये गोल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर गवर्नेंस और एक्चुअली गुड गवर्नेंस, राइट, कि वो इस आइडिया को कितने हद तक कंप्लीट कर पाती हैं, राइट। जहाँ पे गवर्नेंस जो है एक ज़्यादा कंसेप्चुअल टर्म है, वहीं पे जो आइडिया ऑफ ई गवर्नेंस या सिटीजन्स चार्टर है वो टूल्स की तरह देखे जा सकते हैं ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर दिस आइडिया ऑफ गवर्नेंस, राइट। सो यू हैव द कॉन्सेप्ट प्लस यू हैव द टूल्स अवेलेबल टू कन्वर्ट दिस कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से। अब गवर्नेंस जो है, अगेन लाइक वी सीन, बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गवर्नेंस को अगेन एक ही चीज़ की, एक ही लेंस से नहीं देखा जा सकता। गवर्नेंस की जो है वेरियस क्राइटेरिया हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ आप गवर्नेंस को समझते कैसे हैं, ठीक है, कि क्या आइडिया है गवर्नेंस का, प्लस इन हाउ टू इंश्योर गवर्नेंस, राइट। इन दोनों ही हिस्सों में, इन टर्म्स ऑफ जो इनपुट आ रही है एंड जो आउटपुट जा रही है, दोनों ही तरीकों से ये जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है एक मल्टी लेयर्ड मल्टी फेसेटेड जो कॉन्सेप्ट है। एक जो छोटा सा डायग्राम है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि गुड गवर्नेंस का आफ्टर ऑल चीज़ होती क्या है, राइट। तो ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ों की जो आप एक तरफ से, अगर ये जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, जब कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, इस ओवरलैपिंग के अंदर जो है गुड गवर्नेंस एक तरह से बाहर निकल के आता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो सिस्टम है वो कितना ओपन है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम, जितना भी है पब्लिक स्फेयर में जो भी चीज़ काम हो रहे हैं उसमें कितनी ओपननेस है, कितने ट्रांसपेरेंट ली ये हो रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कि कितना चेक है, कितना इनके ऊपर जो है सिटीजन्स एक नज़र रख सकते हैं, कितनी उनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ हाउ प्रोसेसेस आर हैपनिंग, एंड साथ ही साथ में इंटेग्रिटी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, कि जो भी काम हो रहा है, जो भी स्कीम्स हो रही हैं, उनका आउटपुट क्या आ रहा है, राइट, व्हाट इज इट दैट दे आर कमिंग अप टू। आप जब वो मेजर कर पाते हो आउटपुट को, जब आप उसको देख पाते हो कि हाँ जी, अगर इतना इनपुट जा रहा है, इतना गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च कर रही है ऑन स्कीम्स एक्सेट्रा, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये बेनिफिट हो रहा है, इतनी पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है, इतना ह्यूमन रिसोर्स जो है डेवलप हो रहा है, इतना एजुकेशन ऊपर जा रहा है, राइट। इन टर्म्स ऑफ दैट, ये जो एक आउटकम जब आप देख पाते हो उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाते हो कि क्या परफॉर्मेंस रही, राइट, क्या उसका बेसिस था, और अगर कुछ कमी रहेगी तो किस तरह से इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो आपके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाते हैं, दैट यू हैव टू परफॉर्म वेल इन दीज टर्म्स, राइट। साथ ही साथ में एक और जो इसका मेजर हिस्सा है, दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन, जिसको आप बता सकते हैं कि ये जो है पार्टिसिपेटिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके अंदर, राइट, जो इस सिस्टम के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन के थ्रू जो है ये मेजर्स एंड स्टेप्स जो है लिए जाने चाहिए। अब अगेन, जैसे कि बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, काफ़ी टाइम्स एग्जिस्ट करता था, हाउएवर सिंस द 80s एंड 90s इट्स कम बैक इन वोग, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब इसको डिफाइन करता है तो वो बोलता है कि बेसिकली अगर आप गवर्नेंस समझना चाहते हैं, गवर्नेंस के अंदर जो आते हैं वो है कुछ स्ट्रक्चर्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ रेजीम स्ट्रक्चर्स, रूल मेकिंग इंस्टीट्यूशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। साथ ही साथ में कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, जिनके थ्रू कोई स्टेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप या कम्युनिटी जो है अपने अफेयर्स ढंग से कंडक्ट कर पाता है। सबसे ऑब्वियस इन टर्म्स में से ऑब्वियसली है, जो सबसे क्लोज आता है, कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट अपनी कंट्री को चलाती इफेक्टिवली थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस अदर ग्रुप्स,
ताकि जो कंट्री है सेफली एंड एफिशिएंटली चल पाए. इसको वो समझते हैं एज द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, राइट. ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो गवर्नेंस का आइडिया है वो और भी एक्सपैंड हो गया है, बिकॉज अब जो गवर्नेंस है सिर्फ स्टेट गवर्नेंस नहीं बल्कि इंटरनेशनल गवर्नेंस तक भी पहुंच चुकी है. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे द फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इंटरलिंकिंग द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज कमिंग डाउन टू बींग अ ग्लोबल विलेज, जहाँ पे द फोर्सेज ऑफ मार्केट, द फोर्सेज ऑफ सिविल सोसाइटी इंटरलिंक द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नेंस को आप सिर्फ स्टेट बाउंड्रीज के अंदर नहीं या टेरिटोरियली नहीं बल्कि आपको अब इंटरनेशनली समझने की कोशिश पड़ रही है. और यहीं पर ढेर सारी इंस्टीट्यूशन जो है, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, MNCs, बिजनेस ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल NGOs, इन सब का जो रोल है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग गवर्नेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट. मूविंग ऑन, अब ये जैसे कि पहले भी बताया गया कि जो गवर्नेंस का टर्म है वो पुराना है काफ़ी, राइट. सो अगर आप अगेन इफ़ यू लुक एट द रूट ऑफ द वर्ड कि ये वर्ड आया कहाँ से, अगेन इट्स डिराइव फ्रॉम सर्टेन 16th सेंचुरी फ्रेंच वर्ड्स, राइट, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, राइट, विच बेसिकली मेंट द सेम, राइट, विच वर वेरी क्लोज. एंड दैट वॉज ट्रू बिकॉज गवर्नेंस, क्योंकि उस टर्म में ग्लोबलाइजेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड एक्सेट्रा, राइट, वहाँ पर भी जो था लेकिन अपने टेरिटोरियल कंसर्न जो थे सबसे ज़्यादा थे. अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि जिस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी, एक्ट करेगी, राइट, उस गवर्नमेंट के एक्शंस को गवर्नेंस जो था स्टेट कर दिया जाता था. तो गवर्नेंस जो था इंटीमेटली सिर्फ कनेक्टेड किससे था, गवर्नमेंट से, ठीक है. हाउएवर अगेन 1980s में जब इसका रिवाइवल होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड अ जर्नी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो शुरू होती है अंडर ग्लोबलाइजेशन, जो गवर्नेंस का टर्म है वो बहुत एक्सपैंड भी हो गया और साथ ही साथ में पॉपुलर भी होने लग गया, ठीक है. और इसके जो जिस तरह से इसकी एक्सपेंशन हुई, इसके मीनिंग के अंदर सेवरल लेवल्स ऐड कर दिए गए. तो अब ये जो प्रोसेसेस थे और मैनरिज्म्स थे, ठीक है, यहाँ पे गवर्न आपने सिर्फ एफिशिएंसी सिर्फ इस जनरेशन की नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस की देखते हुए भी करनी थी. और इसलिए अब इसका गोल क्या हो गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल था इसके सामने रख दिया गया था. साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, वेरियस इंटरनेशनल NGOs, UN, इसकी वेरियस एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इन सब ने ही गवर्नेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट बजवर्ड बना लिया, राइट. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया इन ट्राइंग टू एनालाइज कि कंट्रीज जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और अपने सिटीजन्स को क्या क्या ऑफर कर रही हैं. और इसीलिए द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस और आप किस तरह से मेजर कर सकते हो गुड गवर्नेंस को, दैट बिकेम एक्सट्रीमली critical. And this idea became one of the major sources जिसके through ये जो international organizations थी अब developing countries को बोलती थी that अगर आपने हमसे support लेना है, हमसे in terms of financial support या कुछ भी लेना है, आपने हमको दिखाना है कि किस तरह के आप changes ला रहे हो to cater to what? Good governance, right? तो predefined हो गया एक ही concept और यही एक आउटपुट बन गया इन मेकिंग डेवलपिंग कंट्रीज इंश्योर के आपको सपोर्ट मिलता है ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, राइट. अब जो UNDP है, अगर उनकी गवर्नेंस के आइडिया को देखें, ये बोलते हैं कि गवर्नेंस जो है इज कंसर्न्ड विद जो एक्शंस होते हैं ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, किस तरह से वो कंट्री के अफेयर्स को मैनेज करते हैं ढेर सारे लेवल्स पे. साथ ही साथ में इसके अंदर वेरियस मैकेनिज्म्स, प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं जिनके थ्रू सिटीजन्स और ग्रुप्स जो हैं अपने इंटरेस्ट और डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको असर्ट करते हैं, साथ ही साथ में उनकी जो ड्यूटीज हैं उनको निभाते हुए आपस के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करते हैं सो दैट द स्टेट, द कंट्री कैन मूव ऑन एफिशिएंटली. जो गुड गवर्नेंस है, अगेन जिस तरह से हमने डायग्राम में देखा था, पार्टिसिपेशन या कोलैबोरेशन और कंसल्टेशन जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट. बिकॉज इट इज ओनली वाया पार्टिसिपेशन के आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर से हो, वो अकाउंटेबल हो और साथ ही साथ में वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर से कैरी आउट हो सके. और इसी के तो थ्रू है सिटीजन्स का जो और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो इंश्योर किया जा सकता है. साथ ही में जो गवर्नमेंट की जो एक्शंस हैं, इवन दो गवर्नमेंट के एक्शंस को अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए वो फॉर्मल लीगल जो आपका स्फेयर है
वहीं पे जो है सीमित होते, गवर्नेंस के जो एक्शंस है वो इस पे काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है. दीज इंक्लूड नॉट जस्ट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो कि टेक्निकली जो फॉर्मल गवर्नमेंटल सेटिंग्स हैं या जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं उसके दायरे से भी बाहर आती है. जेम्स रोजनो जो है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया है यहाँ पे गवर्नेंस का. उन्होंने बोला कि गवर्नेंस से जितने भी आप एक्टिविटीज रिलेट कर सकते हो वो ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू जो कुछ कॉमन या शेयर्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इनको अचीव करने के लिए चाहे लीगल या फॉर्मली प्रिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनका हिस्सा ना हो, राइट, बट किसी ना किसी तरह से वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो कि कॉमन गोल अचीव हो रहा हो. बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो, पुलिस पावर इन्वॉल्व हो या कुछ भी और ऐसा हो. ठीक है, तो अगेन फॉर एग्जांपल सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, डिस्पाइट बीइंग अवे फ्रॉम द लीगल फॉर्मल स्फीयर दे आर स्टिल प्रोबेबली केटरिंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ गवर्नेंस. अब गवर्नेंस से मूव ऑन करते हैं टू द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस. अगर अगेन आपकी जो एथिक्स का जो लेक्चर है उसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है डिस्कस किए गए हैं, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू एक्चुअली गो थ्रू दैट लेक्चर अगेन, जहां पे उन्होंने बात की और ये अगेन क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको आपने एक्सप्लोर करना है. चलिए, अब अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसने 2008 में 12 प्रिंसिपल्स दे दिए ऑफ गुड गवर्नेंस और ये प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही एक इफेक्टिव मीन्स है ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर आपने गुड गवर्नेंस को एफिशिएंटली डिफाइन करना है, इफेक्टिवली उसको मेजर करने के लिए अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए आप किसके अगेंस्ट उसको मेजर कर सकते हो. पहला है फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन. अगेन दिस caters to जो हमने बोला था इफेक्टिव collaboration होनी बहुत जरूरी है. तो जो elections हैं चाहे वो किसी भी level पे हो रहे हों वो freely and fairly conduct होने चाहिए. International national legislation जो है उसको वो मद्देनजर रखते हुए उन्हें conduct करवाया जाना चाहिए. साथ ही में जितने citizens हैं including vulnerable marginalized sections of the society उनको भी इस electoral process में जो है include कर देना चाहिए. Next जो आपका idea है that is of responsiveness, right, wherein आपके पास कंसिडरेबल रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स हो जिनके बेसिस पे चल के आप जो गवर्नमेंट और मास की डिमांड्स है उनको पूरा कर सकते हैं और उन पे खरा उतर सकते हैं. साथ ही साथ में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. आउटकम हमने देखा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि आप आउटकम ओरिएंटेड हो, तो ज़रूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट की जाए, रेगुलर ऑडिट्स हो ताकि पता लग सके कि परफॉर्मेंस कितने अच्छे से हो रही है. ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी अगेन बहुत ज़रूरी है. जो इन्फॉर्मेशन है ऑन हाउ डिसीजंस आर बीइंग टेकन, कौन डिसीजंस ले रहा है, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, ये सब जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट पब्लिक कैन कीप अ चेक ऑन दी अथॉरिटीज. साथ ही में रूल ऑफ लॉ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, जहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई किए जा रहे हैं और जो इन्फोर्स होते हैं वो इम्पार्शली हो रहे हैं ताकि वो सबके ऊपर इक्वली ही जो है अप्लाई हो. साथ ही साथ में एथिकल कंडक्ट जो है अगेन इज अ ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू कॉल व्हाट इज योर गुड गवर्नेंस. एथिकल कंडक्ट में अब क्या क्या आता है कि आपका जो आइडिया ऑफ पब्लिक गुड है उसको आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले उससे ऊपर जो है रखें, ठीक है, एंड वेरियस वेज हैं जिसके थ्रू जो है आप जो सोशल इवेल्स है सच एज करप्शन, नेपोटिज्म एक्सेट्रा को कॉम्बैट करें सो दैट दैट डज नॉट कम इन द वे ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक गुड. कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी जो है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू प्रोफेशनल स्किल्स जो है यूज की जा सकती हैं. तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ये स्किल्स इनकल्केट कर देनी चाहिए. यूजुअली जब वो अपने प्रोफेशन में है भी ओवर टाइम जिस तरह से जो मास है उनकी डिमांड्स जिस तरह से चेंज हो रही है, जिस तरह से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का नेचर चेंज हो रहा है उस हिसाब से उनकी स्किल्स में भी जो है उनको बढ़ाना चाहिए, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाए जाने चाहिए ताकि वो ज़्यादा आउटपुट ओरिएंटेड हो सके. अगेन इनोवेशन एंड ओपननेस टू चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी और इकोनॉमी की डिमांड्स चेंज होती रहेंगी ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस कॉम्पोनेंट्स जो है अपने आप को उसके
लिए ओरिएंट करें. साथ ही में सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन एंड किस तरह से गिवन आर प्रेजेंट डे रिसोर्सेज एंड व्हाटएवर विल बी अवेलेबल टू अस इन द फ्यूचर, राइट, हम प्रेजेंट जेनरेशन की भी जो डिमांड्स है वो भी पूरा कर सके. बट इन नो वे आवी जो फ्यूचर जेनरेशन है उनकी जो डिमांड्स है उनके ऊपर हम किसी भी तरह की कटौती ना करें. साथ ही में साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ का, जहाँ पे जो है जो आपके पास अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं, कितने प्रूडेंटली यूज़ किए जा रहे हैं, कितने अच्छे से कितने इफेक्टिवली वो यूज़ होते हैं, सो दैट यू कैन इंश्योर मैक्सिमम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे अगेन द आइडिया ऑफ ऑडिटिंग, राइट, रेगुलर ऑडिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू इंश्योर प्रूडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ह्यूमन राइट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेजन जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है गुड गवर्नेंस का, राइट. अब इससे ऊपर जितने भी आइडियाज थे दे वर मोर इन रिलेशन टू योर पॉलिटिकल नीड्स एज वेल एज इकोनॉमिक डिमांड्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं दैट एट द एंड ऑफ द डे गुड गवर्नेंस के जो एट द हार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस लाइज द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज द कम्युनिटी. ह्यूमन राइट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेजन ऐसी चीज है जो कि एक इंडिविजुअल के मॉरल, स्पिरिचुअल एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज बिलीव्स आर, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज बैकग्राउंड आर इज, राइट, उस सब को छोड़ते हुए भी उसको उतनी ही प्रोटेक्शन मिले बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग अ लिविंग क्रीचर. साथ ही साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी को एक एसेट की तरह ट्रीट करना जरूरी है एंड ना कि एज अ लायबिलिटी, बिकॉज दिस कल्चरल डाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेकिंग द सोसाइटी मोर ओपन माइंडेड, इन हेल्प इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वेरियस पीपल ऑफ डिफरिंग बैकग्राउंड्स हु ऑल हैव डिफरेंट थिंग्स टू ऑफर इन द सोसाइटी, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ही साबित होगा, ठीक है. एंड कीपिंग दिस डाइवर्सिटी इन माइंड, जरूरी है कि कम्युनिटी के अंदर एक कोहेशन, एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ हार्मनी हो ताकि वो मिलजुल के काम कर सके. साथ ही साथ में अकाउंटेबिलिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन की के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव रेमेडीज अवेलेबल हों, जहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज और आपकी गवर्नमेंट है दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे डू. And if that action is not taking in mind the interests of the public and the society at large. अब गुड गवर्नेंस को अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुड गवर्नेंस को केटर करती हैं और क्या आइडिया निकल के आया है ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया. अगेन इंडिया के अंदर अगर गुड गवर्नेंस का आइडिया देखा जाए तो शायद ये वेस्टर्न जो नॉर्म्स है उससे भी ज़्यादा पुराना है. इन द एंशियंट सिविलाइजेशन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता था दैट वॉज द आइडिया ऑफ राजधर्म, ठीक है. ये जो राजधर्म का आइडिया है बेसिकली मेंट कि जो आपके रूलर्स हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि आपने इंश्योर करनी है गुड गवर्नेंस या द वेलफेयर ऑफ द पीपल और द सब्जेक्ट्स दैट दे रूल ओवर. और ये जो आइडिया है वेरियस इंपॉर्टेंट वेरियस एंशियंट टेक्स्ट में पाया जाता है, चाहे वो जातक टेल्स हो, चाहे वो शांति पर्व हो महाभारत का, चाहे वो नीति सार हो, पाणिनीज अष्टाध्यायी हो, वाल्मीकि की रामायण हो, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो और इवन द अशोकन पिलर जहाँ पे इन चीज़ों की बात की है, राइट. सो धम्मा वॉज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बट इट ऑल्सो इम्पोज सर्टन ड्यूटीज सो दैट द किंग हैड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ हिज मासेस. इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर ये जो गुड गवर्नेंस या फिर राजधर्मा है वो बेसिकली उसका जो बेसिकली जो मतलब निकल के आता है वो होता है कि जो द किंग है, राइट, उसकी एक ऑब्लिगेशन है, उसकी एक ड्यूटी है टू इंश्योर दैट ही डज जस्टिस टू द मासेस, टू इंश्योर दैट देयर इज वेलफेयर ऑफ द मासेस व्हिच इज द वेलफेयर ऑफ द मासेस व्हिच इज केटर टू. मूविंग ऑन इट ऑल्सो मीन्स कि जो भी गवर्नेंस के खुद हिस्सा है, राइट, तो आपने जो मासेज हैं उनको ये तो सिखाना ही है कि राइचियसनेस क्या होती है, बट ये नहीं कि जो लोग ये प्रीच कर रहे हैं वो खुद उसे प्रैक्टिस ना करें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द किंग हिमसेल्फ डज जस्टिस सो एज टू टीच मासेज वॉट जस्टिस रियली मीन्स, राइट. सो यहाँ पे सोशल वेलफेयर और इंक्लूसिवनेस जो है वो दोनों ही जो है वो गुड गवर्नेंस या राजधर्मा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है.
1990s में जब इंडिया इज गोइंग थ्रू दिस वेव ऑफ लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक में ये इशू ऑफ गवर्नेंस जो है दोबारा उभर के आ गया था. एंड दिस इशू ऑफ गवर्नेंस वॉज केटर्ड टू इन द 5-year प्लान जो कि इंडिया बनाता था. द 9 5-year प्लान जो कि रिलीज होता है 1999 में, उन्होंने इस पे स्पेशल कंसिडरेशन डाली कि जो गवर्नेंस की आइडिया को लेके लूपहोल्स एग्जिस्ट करते हैं इन द इंडियन सिस्टम, उनको किस तरह से कॉम्बैट किया जाए. And one of the most important important results that actually came out here was the idea of decentralization. Jabhi bhi aap democracy ki baat karte hain, democracy and democratization turn out to be two very different concepts. So while democracy might follow a top-down approach, democratization can only come from bottom-up. Aur ye jo democratization hai, uske andar ye centralization ka jo concept hai, wo bahut important ho jata hai. Aur ye jo decentralization hai, again, ye jo decentralization hai, isko only in terms of electoral processes ya political system nahi implement karwana chahiye, but also in terms of ki development planning kahan se ho rahi hai, accountability kaun kaun ensure kar raha hai, kahan pe implementing agencies kaam kar rahi hai, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरह से प्रोग्राम्स जो है इवैल्यूएट हो रहे हैं. एंड कीपिंग दैट इन माइंड, जब आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स आते हैं, दे माइट एक्चुअली बी सीन एज ह्यूज मेजर्स इन ट्राइंग टू एंश्योर दिस डिसेंट्रलाइजेशन, व्हिच इन टर्न इज ट्राइंग टू एंश्योर द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट. मूविंग ऑन, यही जो आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस था, इसको 10th 5-year प्लान के अंदर एक सेपरेट चैप्टर में ही डिस्कस किया गया, कॉल्ड गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन. और यहाँ पे उन्होंने बात की कि किस तरह से जो सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स हैं, दे कांट बी सीन एज वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, बट एक्चुअली ये क्या है, ये ओवरलैपिंग स्फेयर्स हैं. तो आप एक चीज में सिर्फ गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं कर सकते. आपने अगर गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द मासेस इंश्योर करना है, यू नीड टू टेक इन माइंड एंड यू नीड टू टेक इन कंसिडरेशन नॉट जस्ट द स्टेट एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज, बट ऑल्सो सिविल सोसाइटी एज वेल एज मार्केट. क्योंकि ये जो तीनों की तीनों फोर्सेज हैं, तीनों ये फोर्सेज काम कर रही हैं इन द स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, इन द स्फेयर्स ऑफ पॉलिटी एज वेल एज इन द स्फेयर ऑफ इकोनॉमी, राइट. सो फॉर ओवरऑल गवर्नेंस, यू नीड द आइडिया ऑफ गवर्नेंस टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट से कंसल्टेशन नहीं हो रही, बट यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन सिविल सोसाइटी एंड मार्केट, दोनों के दोनों जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इन रनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस थिंग्स इन द कंट्री. अगेन, ड्यूरिंग द 11th एंड द 12th 5-year प्लान, this idea of governance was further taken forward, जहाँ पे ये माना गया कि जो good governance है, ये एक essential element है of any well-functioning society. तो अगर आपने effectively जो resources at hand use करनी है, अगर आपने एक effective delivery of services का system ensure करना है citizens के लिए, और अगर इस सिस्टम को लेजिटिमेसी चाहिए, राइट, हर सिस्टम को ट्रू फंक्शन, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बच्चों ने हेबरमास का आइडिया समझा होगा, किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, परसिस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए अपने आप को एक लेजिटिमेसी चाहिए होती है फ्रॉम इट्स सिटीजंस. और ये लेजिटिमेसी तभी आ पाती है अगर ये जो सिस्टम है एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम हो, विच इज इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, राइट. सो इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए आपके 12th 5-year प्लान ने गुड गवर्नेंस को एक गोल की तरह आगे रखा. अगेन, वेरियस मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया है टू एंश्योर गुड गवर्नेंस. जो इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी थी, ऑब्वियसली दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट आइडियाज, फर्स्ट स्टेप्स, बिकॉज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट. आपका इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है जहां पे क्या हो रहा है, आपके जो लोग हैं वो मिलकर रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं who go on to make various policies, etc. Right? तो पहले ही this idea of collaboration, consultation, participation आ जाता है by a functioning democracy which was being adopted in India. Now when local self-governments come into being with the coming in of 73rd and 74th amendments, जो representation है वो और भी ज़्यादा wide हो जाती है. The idea of accountability at grassroots level वो और भी ज़्यादा institutionalized कर दी जाती है via these amendments, right? So both your local governments in the urban areas as well as your PRI institutions became means of not only implementing schemes and policies that would ensure good governance, but also means of including people in formulating these plans on how governance and how developmental activities need to be carried forward.
Again, another major breakthrough in terms of good governance comes in the form of your right to information. Right? So, jo RTI hai, which basically refers ke har citizen ko ek right hai, unko ek adhikar hai to access information jo ki public authorities hold karti hai. Information and knowledge in the contemporary society is a huge source of power. Right? The concept, the phrase of knowledge is power has really come into being in the 21st century. Aur ye jo information hai, it is very crucial to ensure good governance. Why? Pehli cheez, ye transparency ensure karti hai. And by bringing in transparency, it also makes people, the government, the public authorities more responsive. And because of that, it also ensures accountability because now the people know who's making the decisions, how these decisions are being made, and in case these decisions go wrong, who to hold accountable, right? So in terms of governance, uske jo teen basic cheeze hai, the three pillars of governance in terms of transparency, in terms of responsiveness, as well as accountability, teenon ke teenon ko ensure karne ke liye ye RTI jo hai, jo right to information hai, is a huge weapon in the hand of the masses, right? So again, the idea that information is the oxygen of democracy comes into play here via RTI. Abhi jo RTI hai, 2005 mein again pass hota hai. And even though the original constitution ke andar explicitly RTI nahi mention tha, however, Supreme Court ne various cases through ye bata diya ki jo ye RTI hai, ye implicit hai in various constitutionally, jo constitution mein enshrined hai aapke rights. Aur tabhi isme jo freedom of speech tha and expression jo article 19(1) clause A mein hai, as well as right to life and liberty as per 21, wo implicitly push kar rahe hain you towards the idea of right to information, right? And this right to information was a major breakthrough. Why? Because the kind of bureaucracy that existed in India, hama pichla aapka jo lesson tha, that was in civil services, about civil services, and wahan pe humne dekha ki kis tarah se the idea of secrecy, the idea of intellectual arrogance, right, the idea of aloofness jo ki India ki bureaucracy ke andar bahut zyada infiltrate ho gayi thi, usko combat karne ke liye, usko zyada transparent and accountable banane ke liye, ye jo RTI hai, ek major step sabit hota hai. Illiteracy again is a huge hurdle in ensuring good governance. Why? Illiteracy can lead to unawareness, right? Because of lack of awareness, your masses don't know what kind of policies and schemes are being undertaken, because of which they can be taken advantage of. Again, they can't hold the government responsible agar unme ye awareness hi nahi hogi. So in terms of that, again, jo aapka right to education hai, which comes into being in 2009, becomes a landmark legislation because it not only combats illiteracy as a social evil, but in doing so, it also tries to push forth the agenda of good governance. Theek hai? Aur isi ke through jo hai, ye jo legislations hai, they become very important. Another major step that may be seen as catering to the idea of good governance is your direct benefit transfer scheme, jo ki 2013 mein lagu hoti hai. Aapka jo Aadhaar system hai, UIADI ka jo pura idea hai, jiske through leakages, right, infiltration, corruption, in sabko jo combat karne ke liye Aadhaar jo tha was seen as a huge step forward. Saath hi saath mein, keeping in mind the various, for example, jo aapki Food Corporation of India hai, unke various recommendations ko aage rakhte hue, ye bhi idea aaya tha ki wastage ko ek eliminate karne ke liye, efficiency ko aur badhane ke liye, this DPT jo hai scheme can be a very effective way of ensuring good governance. Again, in terms of accountability and responsibility, jo Lokpal and Lok Yukta as Act of 2013 hai, ek major step dekha jata hai, wherein jo Lokpal hai, who's an ombudsman, he's unka ek jo creation hai, that is primarily to fight corruption in public offices and authorities, and to ensure kya ki accountability ho on part of public officials, right? Saath hi saath mein jitni various or entities hain of civil society such as NGOs jo ki receive karte donations from foreign sources, right, jo ki FCRA ke under aati, again humne pressure groups etc mein dekha tha, theek hai, jinko bhi ye foreign contribution in excess of 10 lakhs per year aa rahi hai, unko bhi ye jo Lokpal hai uske jurisdiction ke under rakha gaya.
अब अगर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, सो वन ऑफ द क्रूशियल वेपन्स जो हमने बोला था टू इंश्योर गवर्नेंस क्या है, आपका ई गवर्नेंस, राइट। अभी ई गवर्नेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है, एंड इसी को लागू करने के लिए आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है एक मेजर स्टेप आता है। ये जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है अभी क्या इन्वेस्टेज करता है, इट हैज द विजन टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकैलिटी, ताकि थ्रू व्हाट, थ्रू कॉमन डिलीवरी सर्विस आउटलेट्स जिनके थ्रू एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी जो है इंश्योर की जा सके, ताकि ये जो सर्विसेज है अफोर्डेबल कॉस्ट पे उनको भेजी जाए, ताकि जो बेसिक नीड्स है हर आदमी की वो फुलफिल हो पाए। जो 11th रिपोर्ट थी ऑफ द सेकेंड ARC वो इसी ई गवर्नेंस के ऊपर जो थी पूरी रिफ्लेक्ट करती थी, राइट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ना, फॉर एग्जांपल जो ई गवर्नेंस है उसमें आप इनकी 11th रिपोर्ट देख सकते हैं, जो आपका सिटीजन चार्टर है उसके लिए आप 12th सेकेंड ARC की रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट जो है स्पेशली इनकी जो समरी वाले पार्ट है इनको अगर आप देखेंगे, यू कैन हैव अ होलिस्टिक आइडिया विद रिगार्ड टू दीज सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। तो ये रिपोर्ट जो है आगे रखती है, वो बोलते हैं कि जो इंडिया है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड ई गवर्नेंस जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है इन इंश्योरिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, राइट। इसी गवर्नेंस को आगे रखते हुए उन्होंने बोला कि गवर्नेंस के जो है वेरियस कॉन्टोर्स हो सकते हैं, जिस तरह से ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, राइट, साथ ही में से जो कंज्यूमर्स और बिजनेस के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको आप क्लोज ला सकते हो, ई गवर्नेंस के थ्रू आप गवर्नमेंट एंड सिटीजंस की जो इंटरेक्शन है दैट इज योर G2C, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस की जो इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ G2B, एज वेल एज इंटर एजेंसी जो रिलेशनशिप्स है इन टर्म्स ऑफ G2G, उसको आप ज़्यादा फ्रेंडली, कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट एज वेल एज अफोर्डेबल बना सकते हो। अगर गोल्स देखे जाए ई गवर्नेंस को, तो पहला गोल है कि आपने जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है सिटीजन्स के लिए उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, उसके अंदर जो लीकेजेस हैं वो हटानी है, जो स्कीम्स जो हैं जो मासेस तक नहीं पहुंच पा रहे उनको आपने इफेक्टिवली उनमें से लीकेजेस और वेस्टेज हटा के जो टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है वहाँ तक लेके जानी है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना जो है एक मेजर विजन है ई गवर्नेंस का, बाय इंक्लूडिंग दीज आइडियाज के उनको सर्विसेज जो है वो पहुंचे, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लोग जो है एम्पावर होने लगते हैं। वाई? बिकॉज नाउ दे हैव इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाया RTI। साथ ही साथ में इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट्स, तो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो काम दिया गया है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिवली होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही में जो इंटरफेस है विद गवर्नमेंट, विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्री विच आर द मूविंग फोर्सेज इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, उनके साथ ही जो इंटरफेस है इम्प्रूव करना और उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस रखते हुए जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ डिजिटल इंडिया, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इंश्योरिंग ई गवर्नेंस। इसके बाद आपका नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक सेंटर जो था 77 में इसका जो फाउंडेशन था वो ले किया गया। इंस्यूइंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा पुश दिया गया टू कंप्यूटराइजेशन, टेले कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। साथ ही में एक नेशनल टास्क फोर्स ऑन IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई 1998 में। इसके अलावा एक यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 1999 में आती है, और एक 12-point मिनिमम एजेंडा आगे रख दिया जाता है फॉर ई गवर्नेंस, राइट, जिसके थ्रू जिसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी हो गया था फॉर ऑल यूनियन मिनिस्ट्रीज एज वेल एज डिपार्टमेंट्स बाय 2000। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है वो 2006 में इस्टेब्लिश होता है, जो कि एक एजेंडा रखता है कि किस तरह से ई गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको इस्टेब्लिश करना है एज वेल एज उनको अचीव करना है। इसके बाद आता है आपका ई क्रांति या फिर आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, और यहाँ पे फोकस क्या था, यहाँ पे फोकस था ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। लेटर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स दैट कम्स अप इज योर लॉन्चिंग ऑफ द डिजिटल इंडिया इन 2015, जो एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि इंश्योर करना चाहता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को इजिली इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो ऑनलाइन। तो आप
इसको केटर करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ एंड जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है विच इज द बैकबोन ऑफ दीज ई सर्विसेज आप उसको स्ट्रेंथन करो. अकॉर्डिंग टू द एआरसी रिपोर्ट ऑन ई गवर्नेंस जो वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए गए थे उनको आप अगेन G2C, G2B और G2G इनिशिएटिव्स के अंदर क्लब कर सकते हो. अब G2C वाले इनिशिएटिव्स में there can be various examples. One of the earliest examples are in the form of computerization and digitization of your land records, right? So aapke department of land resources of government of india ne ye digitize karne shuru kiye taki jo tenants hai unko tenancy rights mil sake, right? Kuch to ye jo various acts with regard to land sealing, various things with regard to landform jo hai effectively unko practice kiya ja sake, right? साथ ही साथ में भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटका जो कि ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील करता था उसको भी इस G2C इनिशिएटिव्स में देखा जा सकता है. आधार एक मेजर एलिमेंट है जहां पे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्मूदन आउट करने की ज़रूरत उसको देखा गया है, राइट. तो आपकी वेरियस जो स्कीम्स है पहल सो ऑन सो फोर्थ, राइट, उनको एक इफेक्टिवली डिलीवर करने की बात हो रही है वाया आधार, राइट. और यही जो आधार कार्ड है इसको जो आपकी LPG स्कीम है फॉर एग्जाम्पल पहल, राइट, उसको डिलीवर करने के लिए, राइट. साथ ही में मेजर रिक्वायरमेंट जो आधार की थी फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, लिंकिंग ऑफ वोट्स पेंशन PF टू आधार, इन सबको मेजर स्टेप्स जो है लेके जा रहे हैं. साथ ही में आपका डिजी लॉकर जो है वो लॉन्च हुआ है जिसके थ्रू जितने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट सर्वर पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, राइट. और इनकी जो इनको जो एक वेरीफाई करना है काफ़ी आसान हो जाता है. साथ ही में ई गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ई गवर्नेंस. साथ ही में जो स्कीम है इसके अंडर जो सिटीजन्स है उनको अब किसी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएंगी एट द प्लेस दैट दे आर सिटिंग. साथ ही में NEGP के अंडर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने ई फाइलिंग ऑफ टैक्सेस, ऑनलाइन कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा ये भी शुरू कर दिए. आकार सेतु जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द IT डिपार्टमेंट जहां पे अब क्या हो रहा है यहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद हु द टैक्स पेयर्स. तो वेरियस जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है विद रिगार्ड टू टैक्स सर्विसेज, राइट, वो सब जो है जो सिटीजन्स हैं उनको इफेक्टिवली और इजिली मिल सकती है. अगेन माई विजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो सिटीजन्स हैं, राइट, दे कैन सिंपली मेक एन अपॉइंटमेंट एंड मीट अ गवर्नमेंट ऑफिसर हैसल फ्री विदाउट वेटिंग इन लाइन विदाउट सिफारिशें डालना सो ऑन सो फोर्थ, राइट. और इसके बीच में क्या हो रहा है पब्लिक अथॉरिटीज और कॉमन मैन के बीच का जो गैप है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और आती जा रही है एंड दीज पब्लिक ऑफिशियल्स कैन नाउ बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग. अगर G2B इनिशिएटिव्स की बात की जाए अगेन ई फाइलिंग ऑफ टैक्सेस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज. ई मार्केट टूल्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, राइट. फॉर एग्जांपल डेली मार्केट ट्रेड जो एग्री कमोडिटीज का है वो अवेलेबल होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो अवेलेबल होता है, सो ऑन सो फोर्थ. साथ ही में ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स, इंस्टेड ऑफ मैनुअल प्रोक्योरमेंट जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ही ज़्यादा एक कंबसम प्रोसेस था, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट जो था लॉन्च कर दिया गया 2003 में, राइट. सो इट नॉट ओनली मेक्स इट फास्ट एंड बट करप्शन एंड वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव मींस है. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव्स देखे जाए अगेन इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, राइट. जो इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल जो आपका स्मार्ट GOV है इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग वेरियस ऑपरेशंस एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन इंश्योर करने के लिए एज वेल एज नॉलेज मैनेजमेंट इन इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन. साथ ही साथ में एक हार्ड कॉपी एनवायरनमेंट को हटा के एक डिजिटल एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश की गई, राइट, जहाँ पे पेपर जो है उसको रिडंडेंट कर दिया जाए ताकि इफेक्टिवली आप डिजिटल जो कॉपीज है वो सब रख सके विच आर इजी टू फाइंड एंड मेंटेन एज वेल. ई सांसद एंड ई विधान अगेन ह्यूज प्रोजेक्ट्स अंडर डिजिटल इंडिया जिसके थ्रू जितने पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटाइज करने की बात हो रही है, राइट. अगेन दिस इज इन कॉग्निसेंस विद द गो ग्रीन इनिशिएटिव जिसके थ्रू पेपर कटिंग जो ट्री कटिंग है उसको लिमिट किया जा सकता है एंड इट ऑल्सो केटर्स टू पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने भी एक इंटेग्रेटेड G2G प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है जहाँ पे डेटा शेयरिंग हो सकती है इन दिस रिगार्ड, राइट. साथ ही में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन सारी एजेंसीज को ये जो डेटा है अवेलेबल होगा. मैप्स की अपग्रेडेशन हो रही है टू 1:25,000 स्केल, राइट, ताकि जो अपडेटेड कॉन्टेंट और जो फ्रेमवर्क है फॉर ऑल नेशनल पॉलिसीज वो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज अवेलेबल हो. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विद रिगार्ड टू ई गवर्नेंस.
अब इंडिया जो है डिस्पाइट दीज मेजर डेवलपमेंट्स स्टिल रैंक्स 98th इन द यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स जो कि 2018 में आया था, इवन दो इट्स जम्प्ड 22 प्लेसेस फ्रॉम व्हाट वेयर इट स्टूड इन 2014. हाउएवर जो इश्यूज परसिस्ट करते हैं, अगेन जब हम ये इश्यूज देखते हैं, अगर आप इंटरनेट गवर्नेंस की बात करें, मोबाइल गवर्नेंस की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर जो इश्यूज हैं ये हर जगह जो है एग्जिस्ट करते हैं. फंडिंग जो है एक मेजर इशू रहती है इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस. वाई? बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म स्कीम्स. इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, राइट? सो डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तरह का खर्चा हो गया. दूसरा जो आपका मेजर खर्चा आता है, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा. आप फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, बट अगर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कांट टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिवाइसेज, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, देन कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो फंडिंग है टू फोल्ड होनी चाहिए, नॉट ओनली ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट टू ऑल्सो इंश्योर दैट जो मासेज हैं इन चीजों का ढंग से जो है उपयोग कर पाए. साथ ही में मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये जो डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट एक्सेट्रा, राइट, इसके लिए प्रोसीजरल और लीगल चेंजेस की जरूरत है, राइट? और जिस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ढेर सारे डिकेड से जिस तरह से वो काम करते आए हैं उसके अंदर एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है. सो वेरियस वर्कशॉप्स नीड टू बी हेल्ड. स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है फॉर द पीपल ऑक्यूपाइंग दीज ऑफिसेज, राइट? तभी जो है ये चेंज जो है आ पाएगा. साथ ही में प्राइवेसी जो है एक मेजर कंसर्न है. जब भी कोई सिटीजन ट्रांजैक्शन करता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, उनको एक काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है देनी पड़ती है, राइट? सो एक मेजर कंसर्न होता है कि कहीं इफ दिस इंफॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉज इफ इट लैंड्स इनटू द रॉन्ग हैंड्स इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द सिटीजंस, राइट? और अगेन हमने देखा ही है इन टर्म्स ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका और इन टर्म्स ऑफ फेसबुक के रिगार्डिंग जितना भी फियास्को हुआ है, राइट? सो ये सारे जो इश्यूज है आई हैव आल्सो मेड द मासेस मोर वेरी ऑफ गिविंग आउट देयर इंफॉर्मेशन. अगेन जो वेरियस हैकिंग होती है आपकी साइट्स की ऑफ वेरियस गवर्नमेंट साइट्स, दैट इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू लाइमलाइट कि किस तरह से जो गवर्नमेंट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है फूल प्रूफ नहीं है, वो भी जो है एडिक्वेटली सिक्योर एंड सेफ नहीं है. अगेन ऑथेंटिकेशन इज अ मेजर इशू, राइट? जब भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो, वेरियस बिजनेसेस के साथ हो, या जो पीपल हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ये जो ऑनलाइन या ई ट्रांजेक्शन्स है दे कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न एंड वरी, राइट? एंड पीपल स्टिल हैव अ मेजर इशू इन शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल कनेक्शंस एंड फिजिकल ट्रांजेक्शन्स टू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. इंटरऑपरेटेबिलिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, राइट? अगेन दिस रिमेन्स अ ह्यूज इशू. स्टैंडर्डाइजेशन एक मेजर इशू है, राइट? क्योंकि आपको एक स्टैंडर्डाइज कर देनी चाहिए क्या क्या आपके यार्ड स्टिक्स होने चाहिए, किस तरह के जो सर्विसेज हैं अक्रॉस एजेंसीज जो हैं ऑफर की जाएंगी, ईमेल एड्रेसेस कहाँ पे जाना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, इन सब के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगेन टेक्नोलॉजी इश्यूज बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ आपके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दोनों के दोनों को इस तरह से बनाने हैं दैट दे आर सीमलेस सो दैट द मासेस डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम नेविगेटिंग देम, एज वेल एज इट इज easy for the public authorities also to understand कि किस तरह से इनको implement करना है ताकि e-services जो हैं वो पहुंचाई जा सके to the people. साथ ही साथ में इनका cost effective होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है so that sufficient use is made out of them. Use of local language again is a major issue, right? जो access है of information उसको local languages में जो है वो होना चाहिए क्योंकि a lot of people in India are only comfortable using their local language. So even though they are literate, पर उनका जो comfort level है with English वो उतना ज़्यादा नहीं है, right? Already कुछ ऐसी technologies, for example GIST जो है आपकी वो exist करती है, language software जो है जिसके through transliteration हो जाती है of English to various other local languages, right? So ऐसे initiatives हैं but इनको और ज़्यादा expand करने की ज़रूरत है. Another major initiative that comes here is your Digital India. अब डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है अगेन 2015 में लॉन्च होता है और यहाँ पे क्या आइडिया था कि आपने डिजिटली इंपावर करना है हर सिटीजन को ऑफ द कंट्री. इसके जो एक मेन आइडिया था दैट वाज 9 द पावर टू एम्पावर, बेसिकली 9 पिलर्स ये बताता है डिजिटल इंडिया. पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, तो द आइडिया ऑफ भारत नेट, ठीक है? अगेन अगर आपने ये ई गवर्नेंस का देखना है ना, प्लीज, अगर आई होप एवरीवन्स बॉट द योजना,
December 2018 issue. Ye pura is on Digital India, right? So a huge aspects of e-governance, all of this can be covered via this issue of Yojana as well, right? So ye jo Bharat Net hai, which is almost like a broadband for the rural areas, jiske andar jo 2.5 lakh village panchayats hain, unko cover karne ki koshish ki ja rahi hai under the National Optical Fiber Network. Jo aapka National Information Infrastructure hai, uske through integrate hoga network and cloud infrastructure so that high speed connectivity provide ki ja sake, as well as cloud platform ke through various e-services jo hai, without having to move the people from rural areas to come to big cities, etc. वो जो कॉमन मैन है सिटिंग इन रूरल एरियाज उनको भी ये जो सारी सर्विसेज हो लोकली अवेलेबल हो थ्रू द पीआरआई राइट जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू वाया क्लाउड प्लेटफॉर्म. अगेन नेशनल नॉलेज नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज अमंग एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बिकम्स पॉसिबल. यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स इज अगेन अ मेजर पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया जिसके थ्रू मोबाइल कवरेज को बढ़ाने की कोशिश हो रही है इन अ फेज्ड मैनर. साथ ही साथ में पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स जो हैं जिनके अंदर जिसके थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं इस्टैब्लिश किए जाएंगे राइट और उनकी जो प्रेजेंस स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा. यहाँ पे एक जो कॉमन सर्विस सेंटर है एटलीस्ट एक कॉमन सेक्टर सर्विस सेक्टर सेंटर होना चाहिए हर ग्राम पंचायत में राइट जो कि मल्टी फंक्शनल एंड पॉइंट होगा फॉर वेरियस काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. फर्दर जो पोस्ट ऑफिस है जिनका काम काफी रिडंडेंट हुआ जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस को अब एक रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है एज मल्टी सर्विस सेंटर्स राइट जहाँ पे वो जो ये गवर्नमेंट सर्विसेज है जो ई सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के वेन्यूज बन जाएंगे राइट बिकॉज पोस्ट ऑफिस जो है बिकॉज ऑफ देयर वाइड नेटवर्क ऑलमोस्ट हर जगह जो है अवेलेबल है. साथ ही में नेक्स्ट जो इनका कंपोनेंट जो कि हम पहले ही कर चुके हैं इज योर ई गवर्नेंस जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ट्रैकिंग जो है वो होती है. फॉर्म्स जो है सिंप्लीफाई हो जाते हैं. ऑनलाइन रिपोजिटरीज आप बना सकते हैं फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर राइट ताकि जो लोग हैं उनके पास ईजी एक एक्सेस हो टू दीज वेरियस सर्विसेज. ई क्रांति जो है विच इज ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है विद इन डिजिटल इंडिया विच फोकसेस ऑन मोबाइल फर्स्ट अप्रोच. तो यहाँ पे क्या आइडिया हो रहा है कि मोबाइल जो कवरेज है इंडिया के अंदर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि इस मोबाइल पे अवेलेबल है राइट वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो मोबाइल इज द न्यू वेपन इन हैंड. इट इज द वेपन थ्रू विच बोथ द गवर्नमेंट कैन केटर टू द सिटीजंस एज वेल एज द मासेस कैन नाउ इजिली एक्सेस द वेरियस सर्विसेज जो कि उनको पहुंचनी चाहिए. साथ ही साथ में जो आधार प्लेटफॉर्म है या जो आपका UIDAI है वो भी एक मेजर इशू है मेजर क्राइटेरिया है इसके अंदर. 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ई क्रांति के अंदर चल रहे हैं जिसके अंदर ई एजुकेशन है ई हेल्थ केयर है राइट टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स है टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर साइबर सिक्योरिटी है राइट जुडिशियल इनोवेशंस है राइट ये सब जो है इसके अंदर कवर की जाती है. इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल अगेन अ मेजर पिलर जहाँ पे एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बनाने की बात होती है data.gov.in जो है वो बन गया है जिसके थ्रू जितने डेटा सेट्स हैं राइट वाया वेरियस सर्वेज एक्सेट्रा जो कराए जाते हैं ये सारा डेटा सेट्स जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपन फॉर्मेट में बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डाल दिए जाते हैं और इनको जो पब्लिक है और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है वो यूज कर सकती है रीयूज कर सकती है डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ईजिली एक्सेसिबल है एंड दीज डाटा सेट्स आर अ सोर्स ऑफ ह्यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द सिटीजंस. अगेन जो सोशल मीडिया के थ्रू एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिटीजन्स के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इज ऑन द राइज. MyGOV.in जो है वो एक मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू क्राउडसोर्स किए जा रहे हैं आइडियाज फ्रॉम द पब्लिक ताकि इफेक्टिव प्लान्स प्रोग्राम्स जो है बनाए जा सके वाया पब्लिक कंसल्टेशन टू मैनेज ट्रैफिक टू मैनेज बिग डेटा टू मेक सिटी स्मार्टर एटसेट्रा राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अगेन इज अ मेजर पिलर ऑफ योर डिजिटल इंडिया कैंपेन जहाँ पे जो टारगेट है ऑफ नेट जीरो इम्पोर्ट्स बाय 2020 राइट. साथ ही में IT फॉर जॉब्स इज अगेन अ मेजर सेक्टर क्योंकि यहाँ पे जो पीपल हैं जो यूथ हैं इंडिया के दे उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द IT सेक्टर उसको वो कर सकें राइट उनका प्रॉपरली उनका फायदा उठा सकें. लास्टली जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक IT
platform बना है for sending messages, right? For example, there's the e-greetings portal या biometric attendance के लिए in various जो public आपकी जो public enterprises है वहाँ पे, right? School books को e-books में convert करना, आपकी सारी NCERTs now available as e-books, right? ये सब जो हैं are actually under the e-harvest program. रविशंकर प्रसाद का अब योजना के अंदर इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है जो कि बोलता है कि किस तरह से इंडिया की जो डिजिटल स्टोरी है इज वन ऑफ इंश्योरिंग डिजिटल एम्पावरमेंट. बेसिकली जितने आपके लोग हैं वो एम्पावर हो सके थ्रू द नॉलेज, थ्रू द इंफॉर्मेशन, थ्रू द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स, एज वेल एज इन डिजिटल इनिशिएटिव्स के थ्रू इंक्लूजन हो सके ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हु आर वल्नरेबल, हु आर मार्जिनलाइज्ड, हु आर एट द फ्रिंजेस ऑफ द सोसाइटी, ताकि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके ऑफ द इंटायर सोसाइटी, इकोनॉमी एंड द स्टेट, राइट. अगेन ही डिस्कसेस वेरियस इनिशिएटिव्स जो कि यहां पे हुए हैं. फॉर एग्जांपल मेघराज है जो आपका एक जीआई क्लाउड है, राइट, जिसके थ्रू जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके थ्रू ई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसको ढंग से यूज किया जा सके फॉर स्पीडी डिप्लॉयमेंट ऑफ ई गवर्नेंस एप्स. अगेन जो आपकी जैम ट्रिनिटी है, राइट, फॉर योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कर्बिंग ऑफ लीकेजेस एज वेल एज करप्शन, जहाँ पे आप डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स की बात करते हैं. जनधन बैंक अकाउंट जो है आपके आधार और मोबाइल जो है, ये तीनों एक मेजर टूल है थ्रू विच ऑल ऑफ दिस कैन बी इंश्योर्ड. अगेन उमंग हैज कम अप एज अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन जिसके थ्रू नियरली 300 गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं अभी अवेलेबल हैं. द टारगेट इज टू प्रोवाइड 1200 डिजिटल सर्विसेज वाया दिस. सो बेसिकली ये एक यूनिफाइड एक्सेस होगा, तो लोगों को इधर उधर वेरियस वेबसाइट्स पे, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ना भटकना पड़े. इट इज अ वन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, राइट. सो वेरियस सर्विसेज कैन नाउ बी प्रोवाइडेड वाया दिस वन सिंगल मोबाइल ऐप विच इज ईजिली एक्सेसिबल टू द मासेस. अगेन अगर चैलेंजेस थे तो ई गवर्नेंस की बात की जाए, राइट. सो अगेन अगर इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है एक मेजर क्रिटिकल एक प्रॉब्लम है, राइट. बेसिकली कि जो डेटा है अगर वो कैप्चर हो रहा है बाय वन डिपार्टमेंट, किस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स भी जो है इसको यूज कर सकते हैं, इसको वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरह से कैप्चर करना है और इसको किस तरह से ट्रांसफर करें, क्योंकि अगर आप इतने सारे डेटा टेबल्स एक्सेट्रा बना देते हो, आप बोल तो रहे हो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बट इनको एनालाइज कैसे करना है वो पब्लिक को नहीं आता, राइट. द इंट्रिकेट टूल्स एंड द इंट्रिकेट से द इकोनोमेट्रिक जो आप टूल्स फॉलो करते हो टू एक्चुअली इंटरप्रेट दीज टेबल्स, वो उनके बस की नहीं है. सो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस तरह फॉर्मेट में देनी है, इतने उसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना है ताकि जो मासेज हैं उनको भी जो ये है समझ आ सके. साथ ही साथ में जो प्रिवेसी है, अगेन दैट इज अ ह्यूज इशू. जिस तरह से हमने देखा था डेटा थेफ्ट इशूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत ही एक मेजर इशू बन के आ गया है. अगेन बी एन श्री कृष्णा कमेटी जो सेटअप की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है, राइट. सो इसके अंदर उन्होंने वेरियस नॉर्म सजेस्ट किए हैं किसको, डेटा प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है. अगेन मेजर अब इसमें चल रहे हैं, कितनी बातें हो रही हैं. मोज़िला ने एक वेरियस आपकी वर्कशॉप कंडक्ट की थी ऑन द सेम, राइट. सो द आइडिया ऑफ बिग डेटा वर्सेज लीन डेटा, राइट, ये प्लीज लुक एट दिस डिबेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, बिग डेटा एंड लीन डेटा. क्या इनका मतलब होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, विच इज बेनिफिशियल, हाउ एंड हाउ आर दीज इंश्योर्ड, राइट. इन दोनों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन बी एन श्री कृष्णा कमिटी ने वेरियस रिकमेंडेशंस दी, और क्या ये रिकमेंडेशंस है विद रिगार्ड टू डेटा प्रोटेक्शन, राइट. पहली चीज है कि अगर पर्सनल डेटा जो है वहां पे, उसको जो ये लॉ है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा ओवर प्रोसेसिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ पर्सनल डेटा, अगर ये जो डेटा है यूज हो रहा है, शेयर हो रहा है, डिस्क्लोज हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है या किसी भी तरह से प्रोसेस हो रहा है इंडिया के अंदर. सेकेंडली जो ये पर्सनल डेटा है जो कलेक्ट, यूज, डिस्क्लोज, प्रोसेस हो रहा है बाय वेरियस कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर इंडियन लॉ, ये भी कवर्ड होगा इररिस्पेक्टिव अगर जो ये कंपनीज है किसी और कंट्री में लेकर जाके इस डेटा को प्रोसेस कर रही है, राइट. साथ ही साथ में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक डीपीए जो है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सेटअप कीजिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी एनफोर्स करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लॉ को. साथ ही में उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है ये कवर करेगा पर्सनल डेटा दोनों ही पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज का. मोर ओवर
जब आपका नेक्स्ट मेजर इशू आता है दैट इज विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, अगेन लिंक टू प्रिवेसी, राइट, कि अगर प्रिवेसी नहीं होगी और अगर ट्रांजेक्शनल इतने चैलेंजेस होंगे, सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो है एक मेजर इशू होता है, पीपल आर यूजिंग, इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट देम टूवर्ड्स कार्ड करेंसीज एक्सेट्रा टूवर्ड्स प्लास्टिक करेंसीज, उनको एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल सिक्योरिटीज वो इंश्योर्ड होनी चाहिए. साथ ही में ऑथेंटिकेशन जो एक मेजर इशू है, अब आप डिजी लॉकर की बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर ई साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने हद तक ये ऑथेंटिक है और कितने हद तक फ्रॉड एक्सेट्रा को रोक सकते हैं वो भी देखना जरूरी है, राइट. साथ ही साथ में इकोनॉमिक इशूज भी बहुत सारे आ जाते हैं विद रिगार्ड टू ई गवर्नेंस. कॉस्ट अगेन जैसे कि हम देख चुके हैं कि किस तरह से इनको इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारा खर्चा होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट करना है एज वेल एज द ह्यूमन कैपिटल जो आपको एक्सपेंडिचर करना है सो दैट दिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज मेंटेन करना. अब अगर आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे तो यू कांट जस्ट लेट इट रॉट, ठीक है. सो जो आईटी है एक सबसे ही डायनामिक और इवॉल्विंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूस अपग्रेडेशन के लिए जरूरत है, सो अगेन इनको मेंटेन करके रखना भी इज अ ह्यूज इशू. रीयूजेबिलिटी अगेन नेशन वाइड प्लान्स बनते हैं और इनको किस तरह से बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूज कर सकती है उसे देखना जरूरी है. पोर्टेबिलिटी इज अ मेजर कंसर्न वेर इन पोर्टेबल एप्लीकेशंस यूज हों, राइट, ताकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स जो सपोज एक सर्विस के लिए बनाए जा रहे हैं, अगर दिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल हाउ कैन इट बी यूटिलाइज टू इंश्योर अदर सर्विसेज एज वेल, बाकी डिपार्टमेंट्स इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो एक पोर्टेबिलिटी भी जो है एक मेजर कंसर्न है. मूविंग ऑन सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं इसमें, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इंटरनेट की जो एक तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अवेलेबल नहीं है, इवन दो इंटरनेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे अभी भी बहुत लोग हैं जो ई गवर्नेंस का जो है फायदा नहीं उठा पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ से बिकॉज दे आर इलिटरेट, राइट, और नॉट अवेयर ऑफ सच सर्विसेज एग्जिस्टिंग. अगेन यूजेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि इतनी कंबसम होती हैं कई जो ये सर्विसेज हैं कि अ पर्सन हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट एट आईसीटी ट्रांजेक्शन टू बी एबल टू यूज देम, राइट. तो यूजर फ्रेंडली बनाना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ ही में इंट्रोडक्टरी वीडियोज, गाइडेंस वीडियोज बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्लीपी के भी आपको लेक्चर्स देखने होते हैं, वी पुट इन लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियोज ऑन हाउ टू यूज इट, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, सो दैट इट बिकम्स ईजी एट फॉर द कंज्यूमर, फॉर द यूजर टू एक्चुअली गो थ्रू द सेम. अगेन एक्सेप्टेंस एक मेजर इशू है, राइट, कि ई गवर्नेंस कितने हद तक पब्लिक में एक्सेप्ट होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द मासेस हू यूजिंग इट एंड द पब्लिक अथॉरिटीज हू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट इट, राइट. सो यहाँ पे जो है अगेन ये एक्सेप्टेंस का इशू आ जाता है एंड लोकल लैंग्वेजेस का तो हमने इशू ऑलरेडी देखा ही हुआ है, राइट. चलिए मूविंग ऑन, अब एक जो मेजर कंस्ट्रेन आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डिवाइड. और डिजिटल डिवाइड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेसिक सेपरेशन है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन योर जो आपके ढेर सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज हैं एंड बिजनेसेस हैं, और किस तरह का एक्सेस है उनके पास टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और ऐसे लोग जो कि रूरल एरिया से हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज हैं, अनएजुकेटेड है, जिनके पास एक्सेस नहीं है टू दिस आईसीटी, राइट. अगेन इकोनॉमिक पॉवर्टी माइट बी वन क्राइटेरिया, टेक्निकल इलिटरेसी, राइट, और टेक्निकल इलिटरेसी अगेन अगर आपने समझना है ये बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे टेक्निकल इलिटरेसी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मासेस हु आर यूजिंग इट, आगे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको भी नहीं पता, राइट, कि किस तरह से इसको बेटर यूज करना है, किस तरह से इसका प्रॉपर यूज करना है, राइट. सो क्या होता है कि थिंग्स कंटेंट इज इंट अपडेटेड, सर्विसेज हैंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड्स ऑफ द सर्विस के जो लोग हैं उनको नहीं पता, उनको टेक्निकली इलिटरेट है, राइट. साथ ही में जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, द आइडिया ऑफ यू नो रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, राइट. सो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स को आप इतनी अनअचीवेबल टाइमलाइंस दे देते हैं, राइट, दैट इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल. एंड इफ यू डू एंड अप इम्प्लीमेंटिंग देम इन दोज इम्पॉसिबल टाइमलाइंस, क्वालिटी बिकम्स अ मेजर चैलेंज इन दीज प्रोजेक्ट्स, राइट. सो अगर आपने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑफ ई गवर्नेंस और आपने सर्विस डिलीवरी जो है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इंश्योर करनी है, बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे सिटीजन एक्सपीरियंस के ऊपर जो है एक नज़र बना के रखें. ज़रूरी है कि इलिटरेसी जो है, राइट, विद रिगार्ड टू इंटरनेट सर्विसेज, विद रिगार्ड टू योर वेरियस ई सर्विसेज, वो बढ़ाएं. साथ ही साथ में ज़रूरी है कि दोनों ही पॉलिसी मेकर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, जो आईटी फोर्स के टास्क मेंबर्स हैं, वो इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करें. यूजेबिलिटी सर्वेस कंडक्ट करें कि इन टर्म्स ऑफ जो अभी ई सर्विसेज चल रही हैं, जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
उनका किस तरह से एक रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कितने हद तक ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, राइट? बिकॉज वाया दीज यूजिबिलिटी सर्विसेज, अगेन जिस तरह से हमने गवर्नेंस में देखा था, एक क्या मेन उसका क्राइटेरिया था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट? ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है इंश्योर करेंगे, और इस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के थ्रू आप वेरियस चेंजेस ला सकते हैं, वेरियस इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं. साथ ही में जो ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसमें ये भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कॉम्पिटेंस है स्केलेबल है, अडेप्टेबल है, फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से जो है ये चेंज हो पाए, ठीक है? और जो लोकल आर्किटेक्चर है इनमें ढंग से फिट बैठता है, कॉन्स्टेंट अपडेशन हो, मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट वेबसाइट्स सिक्योर, एक डिलीवरी फ्रेमवर्क हो जिसके थ्रू ये जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड हो पाए, साथ ही में डेटा सेंटर्स हो नॉट जस्ट एट द सेंट्रल लेवल बट ऑल्सो एट द स्टेट लेवल, ताकि जितना भी डिपार्टमेंटल वर्क फ्लो है, राइट, वो आराम से किया जा सके, और जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है विदाउट टू मच मैनुअल वर्क ऑटोमेशन के थ्रू हो पाए, राइट? यहां पे ही आता है एक मेजर आइडिया ऑफ आधार, द क्यूरियस केस ऑफ आधार. जरूरी है कि आपके जो फाइव जज बेंच की जो रूलिंग थी ऑन द आधार एक्ट 2016, आप वो देख लें क्या क्या चीजें हैं जो कि उन्होंने बोला है आज जरूरी, राइट? बिकॉज योर कोर्ट ऑल्सो सेड दैट आधार इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज माइट बी सीन एज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड, एज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट आधार के रिलेटेड जो प्राइवेसी कंसर्न है दोज आर ऑल्सो मैनेज एंड इट इज नॉट बिकम अ टूल फॉर सर्वेलेंस, ठीक है? तो इन दोनों को बैलेंस रखते हुए किस तरह से ये जो वेरियस चीजें हैं जो ली गई हैं. अगेन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप देखा गया, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 4-1 वर्डिक्ट के अंदर ये बाकी के जो आधार है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन एक्चुअली एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ द पुअर एज वेल एज गिविंग द मार्जिनलाइज्ड their identity and dignity. Very important these two ideas. ठीक है कि in terms of किस तरह से आधार जो है, right, by it does not just ensure their material benefits but also in terms of social and moral benefits जो वो दे रहा है in terms of identity and dignity, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So your answer now, आधार के अगर आपने benefits देखने ना, again सिर्फ आपको economic policy oriented मत देखिए, you have to expand the contours of your answer wherein you include such goods as well, right? Such goods as well wherein the masses now have this almost like a social security number through which they can ensure that the services जो उनको प्रॉमिस की गई हैं दैट आर डिलीवर्ड टू देम एंड दे आर डिपेंडेंट, दे डोंट हैव टू बेग प्लीड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, सो देयर डिग्निटी इज मेंटेन्ड इन मेकिंग श्योर दैट द वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड्स फॉर देम, राइट? साथ ही में जो कोर्ट ने एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो आधार है उसको मैंडेटरी आप नहीं कर सकते, तो क्या बाय एंड लार्ज वॉलंटरी ही है. साथ ही में जो लोग एनरोल किए गए हैं फॉर द स्कीम उनको पता होना चाहिए, इट शुड बी बाय देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जिन्होंने कंसेंट दिया जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था तो क्या ऑथराइज करता था आधार को, वो कंसेंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं एंड दे कैन एग्जिट द स्कीम. साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि जिन लोगों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनकी स्कीम्स जिनका उन्होंने बेनिफिट लेना है इन टर्म्स ऑफ पहल जो है, जो आपके पीडीएस है, मनरेगा है, उन लोगों को एनरोल करना जरूरी है फॉर आधार. हाउएवर at the same time even if they don't have aadhaar you cannot deny them benefits saying ki aapke paas aadhaar nahi hai ya fir agar authentication jo hai unki fail ho jati hai. Court ne kya bola ki alternative identity proofs jo hai available hai and these can be used to claim benefits in such instance jahan pe aadhaar na ho ya fir authentication na ho pa rahi ho. Again jo bacche hai unko enroll kiya ja sakta hai with the consent of their parents. However, जो एडमिशन है और एंट्रेंस है आपने इनको लिंक नहीं करना. ऑल्सो वंस द किड्स बिकम अडल्ट दे कैन हैव द ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग. साथ ही में जो कोर्ट था वेरी इंपॉर्टेंटली इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट जिसके थ्रू जो कॉर्पोरेट एंटिटीज थी और इंडिविजुअल्स थे दे कुड डिमांड आधार फॉर delivery of their goods and services. तो various telecom sector के जो agencies थी, various telecom sector की जो companies थी, who said कि SIM card के लिए आपको आधार चाहिए, इस सब के लिए आपको आधार चाहिए, they said no, that is not mandatory, you cannot ask for the same, right? This is a breach of privacy and this is not what Aadhaar was meant for. Again, एक और जो major idea आया जो कि एक major concern था was with regard to existence of your metadata जो exist करता है, ठीक है? पहले ये जो था 5 सालों के लिए maintain होना था. So the court has now provided some relief. Why? Because they've changed the law and they said
कि बेसिकली कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ मेटा डेटा के लिए अब उन्होंने क्या बोला कि जो ऑथेंटिकेशन है डाटा उसको अब 6 महीने से ऊपर नहीं सेव करोगे. पहले जो 5 ईयर्स का था उसको हटा दिया है, अब 6 महीने जो है उन्होंने ये लिमिट रख दी गई है. साथ ही में कोर्ट ने ये भी बोला गवर्नमेंट को कि यू हैव टू कम अप विद अ रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ. जो बी एन श्री कृष्णा कमिट की रिपोर्ट है उसके जो वेरियस रिकमेंडेशन है, कीपिंग दैट इन माइंड इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू कम अप विद समथिंग लाइक आधार. नाउ इट इज ऑन योर हेड, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन एनरोलिंग अंडर दिस एक्ट इज प्रोटेक्टेड इज इंश्योर्ड थ्रू द रिकमेंडेशन दैट जस्टिस श्री कृष्ण कमिटी हैज पुट फॉरवर्ड. अगेन वेरियस क्रिटिसिजम्स ऑफ आधार हैव बीन गिवन. डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट रितिका खेरा, जो कि बहुत आर्टिकल्स लिखती हैं इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा, आपने पढ़े होंगे. रितिका खेरा इज अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, प्राइवेसी लॉज. और उन्होंने बोला कि आधार जो है वो किसी भी तरह से लीकेजेस या वेलफेयर इंश्योर करने के लिए एक अलग स्टेप नहीं बनाता. इनफैक्ट उन्होंने बोला कि इसके थ्रू एक और इकोसिस्टम ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो खड़ा हो सकता है, राइट? एक और इकोसिस्टम ऑफ एक्सक्लूजन. व्हाई? बिकॉज आधार नाउ बिकम्स अ क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट टू से दैट आई विल प्रोवाइड सर्विसेज टू यू एंड आई विल नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू यू. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आधार नाउ ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक दिस आइडेंटिटी कार्ड विच कैन बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल हु डू नॉट अग्री विद इट और डू नॉट कम अंडर द सिस्टम ऑफ आधार. साथ ही में खेरा मूव्स ऑन टू से कि आधार का जो इंसेप्शन का ही आइडिया है, इट वाज नेवर गेयर्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. इनफैक्ट शी क्रिटिसाइजेस इट एज बीइंग एन आउट एंड आउट कमर्शियल प्रोजेक्ट. उन्होंने बोला पब्लिक मनी के ऊपर एक ही ऐसा डिजिटल आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था जिसका कमर्शियल बेनिफिट हो, जिसके थ्रू ये जो डेटा है वो कमर्शियली यूटिलाइज किया जा सके, राइट? और इसकी जो वेलफेयर की जितनी भी ये दे रहे हैं डीड्स, दैट आर एब्सोल्युटली अनफाउंडेड. अगेन इकोनॉमिस्ट जॉन डेरेज, राइट, हुज वर्क्ड अ लॉट विद अमर्त्या सेन, हु राइट्स अ लॉट ऑन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करी. इट्स वेरी यूजफुल इफ यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम, वेर इन ही इज एक्चुअली लुक्ड एट कि आप जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन अ सब्सिडाइज रेट, ठीक है, विजवी डीबीटी स्कीम, राइट? सो ऑल दीज आइडियाज की डीबीटी इज मोर सक्सेसफुल, उन्होंने बहुत स्टडीज के थ्रू ये इस चीज को चैलेंज करने की कोशिश की है. अगेन जॉन डेरेज सेज कि जो कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, ही इज वेरी लेट डाउन बाय इट. उन्होंने बोला दैट दिस इज नॉट रियली कर्टेल द पावर्स ऑफ आधार, बट इन फैक्ट गवर्नमेंट को ये एक अथॉरिटेरियन, एक बिग ब्रदर गवर्नमेंट बनने के और एक्सेस दे देता है, बिकॉज द गवर्नमेंट नाउ हैज एक्सेस टू मल्टीपल डेटाबेसेस, और ये जो डेटाबेसेस है दे कैन बी यूज फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस. अगेन जो आपका सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी है, राइट, इसके थ्रू जो है, जिसके थ्रू वेरियस ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेट्रा जो है ये मेंटेन करता है, इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से इंसान ने कौन सी सर्विस कहां पे एक्सेस की, राइट? सो अगेन इट इज क्रिएटिंग अ वेरी वेरी ओमनीपोटेंट ऑल सीइंग स्टेट, राइट, जो कि एक ऑलमोस्ट लाइक अ पैनोप्टिकन ये क्रिएट कर रहा है, विच कैन हैव सिवियर डिसएडवांटेजेस फॉर डेमोक्रेसी एट लार्ज. अगेन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन सेक्शन 33 क्लॉज 2 ऑफ द आधार एक्ट, जिसके अंडर जो शेयरिंग ऑफ डेटा जो था विद सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको भी इन्होंने कर्व किया. पहले इसमें रिक्वायर्ड था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की परमिशन से हो सकता है, उन्होंने बोला नहीं, दैट इज टू लो अ पोजिशन, यू हैव टू हैव समवन हु इज इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल इन अ मोर पावरफुल पोजिशन सो एज टू ऑथराइज द सेम. अगेन जो सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था, जिसके थ्रू सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो कंप्लेन कर सकता है इन केसेस ऑफ थेफ्ट ऑफ आधार डाटा, उसको भी जो है रिवोक कर दिया गया. अगेन जो जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी है, उन्होंने अंडरलाइन किया है कि कितना डेंजरस हो सकता है स्टेट सर्वेलेंस, तो उन्होंने रेकमेंड किया है दैट इट्स नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट एक्चुअली पास अ लॉ ऑन जुडिशियल सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर सर्वेलेंस, राइट? बिकॉज अगेन कमिटी रिकमेंडेशन के ऊपर भी वेरियस एलिगेशन आ रहे थे दैट इवन दो इट पेनलाइजेस से द प्राइवेट एंटिटीज और द कॉर्पोरेट एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ से द डेटा थेफ्ट, बट इट गोज वेरी सॉफ्ट ऑन व्हाट द गवर्नमेंट डज, राइट? सो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने की भी जरूरत है कि दोनों ही गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज इफ दे मिस यूज द डेटा दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल.
Again, another very important iske andar jo aata hai is your M governance. Right? Very quickly, we will go through this. M governance kya hai? Again, ek subdomain hai E governance ka. Basically, electronic devices jo hai. So, jo log hai via mobile technologies through mobile phones, E governance ke jo various services hai, unko use kar sakte hai. Q relevant hai, fast hai, easy hai, mobile sabke paas available hai, right? Har jagah hai, har kisi ke paas hai, citizen centric governance ke liye bahut zyada important ho sakte hai, especially remote areas ke andar jahan pe government offices shayad exist nahi karte, jahan pe bahut sari aur cheeze nahi exist karti, wahan pe government services pahunchane ke liye mobiles have become an efficient tool. Again, timely or accurate information pahunch sakti hai, ek two-way system, ek two-way communication establish ho sakta hai between the government and the people, and iske through citizen ki jo participation hai, the idea of participative democracy jo hai, the idea of participative governance jo hai, wo aur bhi strengthen ki ja sakti hai. Saath hi saath mein mobiles bahut popular ho gaye hain, various services, for example banking sector ki m banking etc jo hai, uske through pata lag gaya hai ki kya kya cheeze yahan pe ho sakti hain, cost effective hai and dhe sare customers ko reach out kar sakta hai. Saath hi mein jo digital india program hai, jo ki ek digitally empowered society and knowledge economy banane ki koshish karta hai, uske andar ye jo mobile governance hai becomes very important. Again, जो mobile service delivery gateway है जो कि government ने create किया है as a core infrastructure जो कि public services को available करवाता है on various mobile services, right? It adopts a one web approach जिसके through जितनी government websites है उनको वो compliant कर देता है with mobile devices so that all of them can run efficiently and properly on mobile devices. Again, इसके benefits क्या हैं? Cost saving है obviously. बहुत ही proficient है because people are using mobile phones. They know how to use mobile phones. They have information at the tap of at the tap of their fingers, right? So again, information is available first hand. They don't have to go anywhere, they don't have to rely on anyone, and they can make informed choices. Again, modernization ho rahi hai public sector organizations ki, PSUs ko ye help kar raha hai ki innovative technological solutions apnaye. Saath hi mein jitna unka ye jo unnecessary fat exist karta hai in terms of the various excuses that they can make in terms of delivery of services, that can be combated. Convenience of flexibility provide karta hai especially for people who are sitting in remote areas. Services ki better करता है, ज्यादा क्विकली पहुंच सकती है उन तक. इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा इजी कर देता है, करप्शन कंटाउन करता है, स्पेशली जो कॉम्प्लेसेंसी एंड इंडोलेंस जो पीएसयूज में एग्जिस्ट करती है उसको भी काटने की कोशिश करता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे विच इज योर सिटीजन्स चार्टर. अब सिटीजन्स चार्टर क्या है? हमने बात की थी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हमने बात की थी रिस्पॉन्सिवनेस की, हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी की, राइट? सो अब इन तीनों चीजों को ही इंश्योर करने के लिए एक और मेजर डेवलपमेंट जो होती है वो क्या है? आपकी सिटीजन्स चार्टर. अगेन, फरवरी 2018 योजना में सिटीजन्स चार्टर के ऊपर आर्टिकल्स हैं, प्लीज गो थ्रू देम, राइट? अब जो सिटीजन्स चार्टर है, इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर गुड गवर्नेंस, राइट? जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स है गुड गवर्नेंस के, दैट इन टर्म्स ऑफ इट शुड बी पार्टिसिपेटिव, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी अकाउंटेबल, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव द एडमिनिस्ट्रेशन. सिटीजन स्टार्टर जो है एक मेजर आइडिया आता है कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है विद रिगार्ड टू ऑल दीज पिलर्स, उनको रिजोल्व किया जाए, राइट? अब कॉन्सेप्ट क्या है सिटीजन स्टार्टर का? बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक यहाँ पे थ्रस्ट एरिया है, दैट इज योर ट्रस्ट. That a trust needs to be built between those who are providing the service, that is your government, public authorities, various other institutions, organizations, etc., and the users, right? और ये जो concept था पहली बार आया in United Kingdom, right, under John Major's a conservative government, जब दिस आइडिया सिटीजन चार्टर बिकेम वेरी इन वोग. अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? कि देखिए, क्वालिटी बहुत जरूरी है ऑफ वेरियस सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड, चॉइस सो दैट द users can make an informed choice with regard to the services they are being offered, standards, uniform standards ho, theek hai, ki kis tarah se kya jo service hai uska kya level hona chahiye, kya the users should expect, and if that service ka level falls, how they can combat the same. Value, right? So basically jo taxpayers ka money hai uske accordingly unko value jo hai wapas milni chahiye. Accountable hone chahiye individuals as well as organizations. Transparency bahut zaruri hai, rules hai, procedures hai, schemes hai, kis tarah se unko implement karna hai, aur agar grievances hai with regard to the same kaise unko resolve karna hai, right? India ke andar ek conference of chief secretaries hoti hai 96 mein, jiske through jo hai ek ye jo idea hai to push for effective and responsive government administration उसको लाया जाता है, राइट? और जो बेसिक रिकमेंडेशंस आती हैं इस कॉन्फ्रेंस से,
पहले है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. अब ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बेसिकली मीन्स कि देखिए जो लोग हैं दे शुड बी सेटिस्फाइड और उनको जो डिलीवरी आ रही है ऑफ पब्लिक सर्विसेज पहली चीज तो ऑन टाइम हो, सेकेंडली इस तरह की हो, इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हो कि वो सेटिस्फाइड हो. सेकेंडली जो सिटीजन चार्टर है उसको आप फेज वाइज इंट्रोड्यूस करें इन सर्विस इंस्टीट्यूशंस जहां पे पॉसिबल हो एंड ओवर टाइम हर जगह. लास्टली उन्होंने बोला कि जो सिटीजन चार्टर्स है जितने डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स राइट जो जिनके अंदर बहुत लार्ज पब्लिक इंटरफेस इन्वॉल्व है वहां पे हर जगह सिटीजन चार्टर जो होना है बहुत जरूरी है. अब जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने ये टास्क ले लिया कि किस तरह से जो सिटीजन चार्टर है उनको फॉर्मुलेट करना है, उनकी कोऑर्डिनेशन करनी है और वेरियस डिपार्टमेंट लेवल पे उनको किस तरह से ऑपरेशनलाइज करना है. वेरियस गाइडलाइंस बनाएगी कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए और क्या क्या नहीं. ठीक है, सो बेसिकली अब अगर सिटीजन चार्टर से एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले तो वो जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं वो क्लियरली स्टेट करें कि हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या मिशन है जिसको हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं. सेकेंडली वो डिटेल्स दे कि किस तरह से जो बिजनेस है ट्रांजैक्ट होता है बाय द गिवन ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट. थर्डली जो भी डिटेल्स है क्लाइंट्स की वो दी जाए. फोर्थली जो डिटेल्स है कि क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है टू एवरी क्लाइंट ग्रुप दो शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि अगर मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई और आई एम नॉट हैप्पी विद अ सर्टेन सर्विस तो अगर मुझे ग्रीवेंस आता है विद रिगार्ड टू द सेम उसको कैसे कॉम्बैट करना है. लास्टली जो एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द क्लाइंट्स उनको भी लेने का एक जो एक फीडबैक मैकेनिज्म है उसके लिए भी प्रोवाइड करते हैं आपके जो चार्टर्स हैं. नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ RTI एंड इन एंड राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी हर नेशनल उसमें नहीं है, द बिल वो शॉर्ट टर्म राइट, बट इन वेरियस स्टेट्स जो एग्जिस्ट करता है सिटीजन के पास जो है अब एक आइडिया ऑन हाउ टू होल्ड वेरियस डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल. हाउएवर जो सिटीजन चार्टर है इस अकाउंटेबिलिटी को और भी ज्यादा अंडरलाइन करते हैं. अगेन मीना नायर का ये आर्टिकल है इन द योजना February 2018 जहाँ पे उन्होंने बोला कि सिटीजन चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू You get to know the commitment of an organization towards its citizens in respect of क्या standard of services वो offer करते हैं and deliver करने के promise रखते हैं. जो आपके second ARC थी उन्होंने citizen charter के ऊपर, अगेन ये 12th report है second ARC की, you can always download it, right? This remarked on how the citizen charter जो है it is based on the premise what? That the citizen is king. Again very important to remember who is the आपका जो एक political sovereign है वो कौन है, आपके लोग हैं. योर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल. योर पॉपुलर सॉवरन जो है विच इज योर पार्लियामेंट दैट इज योर पॉपुलर सॉवरन. वाई? बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन इलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल सॉवरन विच इज व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? सो द सिटीजन इज किंग एंड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दे एग्जिस्ट नॉट टू रूल बट टू डू व्हाट, टू सर्व द सिटीजन, राइट? अगेन इन्हीं सिटीजन चार्टर का एक रिव्यू हुआ था, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय द पब्लिक अफेयर्स सेंटर बैंगलोर, और इनके रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे इन अ रिपोर्ट विच वाज टाइटल्ड इंडिया सिटीजन चार्टर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस. और कुछ जो फैलेसीज इसके अंदर पॉइंट आउट हुई थी वो थी कि पहली चीज तो उन्होंने देखा कि काफी जो सिटीजन चार्टर थे बहुत ही पुअरली डिजाइन थे, इनका जो कंटेंट था बहुत पुअर था, जो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी फॉर एंड यूजर्स वो प्रोवाइड ही नहीं की गई थी इन अ लार्ज नंबर ऑफ चार्टर्स, राइट? सो जो चार्टर्स थे जो इनका काम था दे फेल वेरी शॉर्ट ऑफ दैट. साथ ही में पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सिटीजन चार्टर होने चाहिए. बहुत सारे लोग थे जो कि यूज टू एक्चुअली गो थ्रू दैट, सो दे वर्न्ट रियली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सर्टेन कमिटमेंट्स हैव बीन मेड टू देम एंड दीज नीड टू बी फुलफिल्ड, एंड इफ दे आर्न्ट यू हैव अ लेजिटिमेट राइट टू पुट योर ग्रीवेंसेस फॉरवर्ड. साथ ही में इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क किया गया था, जो डिपार्टमेंट्स जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ये चार्टर बना रही थी वो ग्राउंड वर्क ही नहीं करती थी इन टर्म्स ऑफ कि क्या हमारे प्रोसेसेस है जो हमसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है, क्या हम प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, क्या लोगों की डिमांड्स है. तो जो ग्राउंड वर्क था दैट वॉज सिवियरली मिसिंग. साथ ही में जो चार्टर्स है रेयरली उनको अपडेट किया गया, तो कब से अगर वो बनाए हुए वैसे ही चले जा रहे हैं. इवन तो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो रीओरियंट हो गया है, उसके अंदर वेरियस एडिशंस आ गए, बट द चार्टर्स डोंट रियली टॉक अबाउट दैट. अगेन जो एंड यूजर्स थे दैट इज इन टर्म्स ऑफ द यूजर्स द पीपल एट लार्ज एज वेल एज द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज NGOs एटसेट्रा, उनको बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया था व्हेन दीज चार्टर्स वर ड्राफ्टेड, राइट? दे वर कंप्लीटली
left out. So a jo major criteria of participated of participation tha, that wasn't really taken into consideration. Again, major resistance to change hai, right? Jiske karan jo hai, new practices nahi lai ja rahi hai, jo public authorities hai, jis tarah se kaam karti thi, waise hi kari ja rahi hai. Vested interests are still stalling citizens charters, jiske karan jo hai, this very idea of citizen charters becomes useless. Again, the idea, because they are voluntary, it almost makes them paper tigers or toothless tigers. Right, so citizens charters, despite their significance, again because of the voluntary nature of the citizen charters, remain by and large powerless. Recently, PIL aayi thi Supreme Court mein, which was turned down by the Supreme Court. Basically, the PIL urged the court कि आप मैंडेट कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए सेंटर को कि सिटीजन चार्टर जो है आप लाइए, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर मैंडेटरी होना चाहिए ताकि स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स टू पीपल हो, राइट. साथ ही में उन्होंने ऐड किया कि जो राइट है टू टाइम बाउंड सर्विस गुड्स एंड रिड्रेसल, यू प्लीज रीड दिस इनटू आर्टिकल 21 व्हिच इज योर राइट टू लाइफ. हाउएवर, कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली एंड उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया. उन्होंने बोला दैट वी कांट रियली डायरेक्ट द सेंटर टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. However, despite all of this, it is important to realize that the charters are very important in ensuring transparency and accountability in terms of governance, right? However, implementation again remains a matter of debate. जो वायलेशन है सिटीजन चार्टर का, अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए कि किस तरह से इन्हें इम्प्रूव करना है, अगर कोई वायलेट करता है सिटीजन चार्टर का, जरूरी है आप किसी तरह की पनिशमेंट या पीनलाइज करें लोगों को, राइट. साथ ही में अगर जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो इनसफिशिएंट है, वो जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ करप्शन हो, राइट. सो जरूरी है दैट अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेशन ऑफ लोकपाल जो है, जो कि करप्शन रिलेटेड मैकेनिज्म से डील करता है, कुछ और भी चीजें हो कि क्यों जो है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही है, राइट. कुछ और भी हो सकता है कि जो प्रोसेस मैकेनिज्म है वो इनएफिशिएंट है, राइट. देयर माइट बी अदर रीजंस आल्सो एक्सेप्ट गवर्नेंस. अगेन, बहुत ज्यादा एक जरूरत है कि आप बैलेंस मेंटेन करके रखें बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट. डेवलपमेंट जो एफर्ट है वो डालना चाहिए कि क्या कि जहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है से इन टर्म्स ऑफ सप्लाई जो हो रही है ऑफ अ सर्विस, वो क्यों है, क्या इसकी रेमेडी होगी, किस तरह से सप्लाई जो है वो ऑगमेंट की जा सकती है, किस तरह से जो कैपेसिटीज है फुली यूटिलाइज की जा सकती है. साथ ही में रेगुलर पब्लिक ओपिनियन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि the citizens charter can also be updated as well as the departments and the organizations can also perform their work to the best of their capacities, right. So citizens charter in terms of this then becomes extremely important, right. So chaliye, this was your lecture to do with governance, e-governance as well as your citizens charter. Hamara jo last lecture hai, that will be with regard to poverty, issues of development and welfare schemes. ठीक है, तो इसके अंदर हम पॉवर्टी, इसके वेरियस डायमेंशंस, वी विल डू दैट इन डिटेल. वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंटल इश्यूज किस तरह से एग्जिस्ट करती है. अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नेंस में भी होंगे. सो जितनी फैक्चुअल और ज्यादा पॉलिसी ओरिएंटेड चीजें जो हैं, वी विल डील विद दैट हियर. जो इसके वेरियस सोशल एस्पेक्ट्स है, जब आपका सोशल इशूज वो आएगा ना, तब उसके अंदर वो पूरा कवर करा दिया जाएगा. अगेन, जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स है, नाउ देयर आर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल गिव यू मॉडल आंसर्स कि अगर आपको स्कीम्स के रिगार्डिंग पूछा जाए, आपने उनको एनालाइज कैसे करना है, गोइंग मोर फॉरवर्ड फ्रॉम द फैक्चुअल बिट्स, राइट. सो आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स है, वी हैड QRS सीरीज जिसके अंदर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स जो थी कवर थी. व्हाट वी विल डू इज वी विल कंपाइल द एंटायर थिंग, सारे स्कीम्स जो उसके अंदर है डाल दिए जाएंगे, ताकि यू कैन गो थ्रू द वेलफेयर स्कीम्स एंड इन दिस लेक्चर यू कैन गेट टू नो कि अगर उनके बारे में आंसर पूछा जाए वो किस तरह से करना है, राइट. सो ये जो एक लेक्चर है, ऑब्वियसली विल कम ऑन मंडे, राइट. बट मंडे को साथ ही में आपका ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट सब्जेक्ट्स टू गेट डिलेड, राइट. सो योर ज्योग्राफी लेक्चर्स विल आल्सो स्टार्ट एंड यू विल आल्सो गेट दिस लेक्चर ऑन गवर्नेंस ऑन मंडे एज वेल, राइट. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.